Hello friends, welcome back to my YouTube channel SahoSoft Solution, and this is 8th part of HTML full tutorial. Before starting this tutorial, I request you to subscribe my channel to get new videos in your YouTube app and in your email. So let's start today's videos. The body tag defines the document's body. जो हमारा body tag होता है HTML document में वो HTML डॉक्यूमेंट को बॉडी को डिफाइन करता है. और आपको बता दें कि HTML के दो पार्ट होते हैं, एक बॉडी पार्ट और एक हेड पार्ट. जो हेड पार्ट में होगा वो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन जो हमारा बॉडी टैग में होता है वो हमारा वेब पेज पर डिस्प्ले होता है. द बॉडी एलिमेंट कंटेंट्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. जो हमारा बॉडी एलिमेंट होगा वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट को कंटेन करता है. उसके अंदर टेक्स्ट हो सकते हैं, हाइपरलिंक्स हो सकता है, इमेज हो सकता है, टेबल्स हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, फॉर्म्स हो सकता है. अब यहाँ पर देखिए HTML की स्ट्रक्चर है. सबसे पहले हमारा यहाँ पर HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, हेड के अंदर आ गया हमारा टाइटल टैग, यहाँ पर फिर हमारा हेड क्लोज हो गया. उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा बॉडी टैग. बॉडी के अंदर होता है हमारा H1, ये हमारा हेडिंग टैग है. P पैराग्राफ, इसमें इमेज के अगर इमेज ऐड करना हो HTML डॉक्यूमेंट में अगर तो उसमें उसके लिए IMG यूज़ करेंगे, वो भी हमारा बॉडी टैग के अंदर होगा. इसी तरह आप बहुत सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं बॉडी टैग के अंदर, और जो भी यूज़ करेंगे वो हमारा वेब पेज पर डिस्प्ले भी होगा. और जब आप बॉडी टैग यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर बॉडी हमारा ओपन हो रहा है तो क्लोज करना नेसेसरी होता है. ये हमारा कंटेनर टैग है तो इसको ओपन भी करेंगे और क्लोज भी. उसके बाद हमारा HTML डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, HTML टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पर. ये हमारा पूरा हो गया एक HTML डॉक्यूमेंट. अब आपको एक किसी भी वेबसाइट को ओपन करके दिखाते हैं कि उसमें बॉडी टैग किस तरह यूज हुआ है. देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया का वेब पेज हमारा यहाँ पर ओपन है. इसमें जो भी टॉप न्यूज स्टोरीज या फिर जो भी कंटेंट है ये हमारा बॉडी टैग के अंदर लिख, यहाँ पर जो टॉप न्यूज स्टोरीज या फिर ये सारे कंटेंट, ये जो भी कंटेंट है हमारा वो सब का सब हमारा बॉडी टैग के अंदर होगा, तभी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. अगर हेड टैग के अंदर होता तो ये हमारा डिस्प्ले नहीं हो पाता. इसी तरह जो भी कंटेंट हमें वेब पेज पर डिस्प्ले कराना होता है उसे बॉडी टैग में प्लेस करना पड़ता है. अब इसकी कोडिंग देखते हैं. राइट क्लिक, उसके बाद व्यू पेज सोर्स. अब यहाँ पर उसकी HTML कोडिंग आ जाएगी. अब देखिए यहाँ पर हमारा HTML स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद यहाँ पर हमारा है हेड टैग, हेड यहाँ पर है. हेड के बाद हमारा आता है बॉडी टैग. ये सारे हेड के अंदर आ गए. हेड टैग भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है. आप अगर आपको नहीं आता हो तो आप उसे देख सकते हैं कि हेड टैग किस तरह यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ होता है. देखिए अब हेड यहाँ पर क्लोज हो गया. अब देखिए यहाँ पर हमारा बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. बॉडी टैग के अंदर आ गया डिव, स्टाइल. स्टाइल भी एक टैग हो गया, इसको भी बॉडी टैग के अंदर प्लेस कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर हमारा पैराग्राफ टैग है, यहाँ पर फिर लिस्ट है. इसी तरह आप बहुत सारे टैग बॉडी टैग के अंदर प्लेस कर सकते हैं जो भी आपको वेब पेज पर डिस्प्ले कराना हो. आई होप आपको समझ आ गया हो कि बॉडी टैग किस तरह यूज़ करते हैं. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.